लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने के साथ ही जनपद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को विकास भवन में मुरादाबाद जनपद के लोगों के लिए QR कोड का विमोचन मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव के द्वारा किया गया। QR कोड के विषय में विस्तार से जानकारी देते हुए CDO सुमित यादव ने बताया कि इसे QR कोड को स्कैन करने पर लोगो प्रदर्शित होगा, जिसको सभी अपनी DP पर लगा ले तथा ट्विटर पर भी, ताकि अधिक से अधिक लोग DP लगाकर मतदाता जागरूकता अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को होना है, जिसको लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज QR कोड का विमोचन किया गया। इस कोड के माध्यम से सभी लोग कॉपी कर सकते हैं और उसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की DP पर लगा सकते हैं। ऐसा करके हम सभी लोगों को लोकसभा चुनाव के प्रति जागरूक कर सकते हैं। आने वाले समय में स्कूल कॉलेज में भी प्रतियोगिताएं होंगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लोगों के प्रति संदेश देने के लिए काम किया जाएगा। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, BSA अजीत कुमार, स्वीप कोऑर्डिनेटर प्रीतम सिंह, स्वीप कोर समिति के डॉक्टर नवनीत गोस्वामी, मेजर राजीव ढल आदि अधिकारी मौजूद रहे। सिटी चैनल संवाददाता काशिफ खान से मुख्य विकास अधिकारी ने बात करते हुए कहा कि लगातार जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में सभी लोग अपने वोट का इस्तेमाल अवश्य करें, जिसको लेकर लगातार हम प्रयासरत है। हम लोगों ने एक जो है एक यूनिक चीज ये करी है कि हम लोग अपने जो हमने जो हमारे जनपद का एक लोगो है स्वीप लोगो, उसको बनाया है, उसको एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो स्वीप लोगों को पहुँच सके, इसके लिए QR कोड हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। ये QR कोड जो है, आप इसको जब स्कैन करेंगे तो इसमें आपको सीधे सीधे हमारा जो स्वीप लोगो है उसकी फ़ोटो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। उस फोटो को आप अपनी DP में लगाइए और उससे एक ये मैसेज जाएगा अक्रॉस जो हमारे मतदाता हैं कि आप लोग एक इलेक्शन का पार्ट हैं, आप लोग एक बहुत ही अभिन्न अंग है। तो आप लोगों को उसमें एक तो डेट का आइडिया मिल जाएगा कि इस डेट को मतदान है, और साथ साथ आप लोग जब DP चेंज करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि मुझे अपने इस चुनाव में भागीदारी करनी है, मुझे अपना वोट डालने ज़रूर जाना है। तो इस स्वीप लोगों को हम लोग, ये जो QR कोड है, इसको हम लोग हर स्कूल में लगवा रहे हैं, हर कॉलेज में लगवा रहे हैं, हर बैंक में एवं सरकारी कार्यालयों में जैसे ब्लॉक ऑफिस, CDP ऑफिस, सब जगह लगवा रहे हैं। और एक छोटा सा कॉम्पिटिशन हम लोग कराएंगे इन विभागों में कि कौन सा विभाग मैक्सिमम स्कैन करा पाता है QR कोड को, या किस विभाग में, किस स्कूल में मैक्सिमम इसका डाउनलोड होता है, क्योंकि एक डैशबोर्ड भी बनाया गया है इसके अंतर्गत, जिसके हम लोग जिसके माध्यम से ये देख सकते हैं कि कितना स्कैन इसके अंदर हुआ है, कितनी यूनिक डिवाइसेस में स्कैन हुआ है, किस लोकेशन से स्कैन हुआ है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चल जाएंगी, तो एक कंपटीशन होगा, जो लोग इसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे उनको हम लोग सम्मानित भी चुनाव के बाद ज़रूर कराएंगे। कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कितने आपको डाउनलोड कराने हैं? अभी तक हम लोगों ने कोशिश करने का प्रयास ये है कि हम लोग आगामी 10 दिन के अंदर 1 लाख क्रॉस करें, और उसके बाद बचे हुए 5 दिन में 1 और लाख क्रॉस करके 2 लाख का टारगेट हम लोगों ने रखा है कि हम 2 लाख स्कैन इसको करा सकें। कोई अपील जनमानस से? जनमानस से यही अपील है कि हमारे जो मतदान का दिन है वो क्लियर हो चुका है, 19 अप्रैल को मतदान है। आप सभी लोगों से अपेक्षा की जाएगी, अनुरोध है कि आप लोग उस दिन बढ़ चढ़ कर वोट डालें, और आप लोगों के बेहतर व्यवस्था के लिए हम लोगों ने अपने बूथ पर भी व्यवस्था करा रहे हैं, और एक आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस उस दिन आपको बूथ पर जाने पर होगा।